इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अपने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ की 15 महीने वाली सरकार की खामियां बताई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हर वर्ग के उत्थान के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई जनहितैषी योजनाएं लागू की हैं और उन्हें लागू की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने उन सभी जनहितैषी योजनाओं को कमलनाथ के नेतृत्व में एक एक करके बंद कर दिया। कमलनाथ कभी किसी से मिलते नहीं थे और ना ही कहीं आते जाते थे, वे तो केवल वल्लभ भवन से सरकार चला रहे थे। कोई जनप्रतिनिधि उनके पास भी किसी योजना को लेकर जाते तो उन्हें चलो अभी सरकार का पैसा नहीं कहकर टाल देते थे, और कोई ठेकेदार माफिया या उद्योगपति आते तो उन्हें सम्मान से बिठाकर बातचीत करते। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। ये जो मुख्यमंत्री हैं भैया, एक पेज और था, जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी का नाम कमलनाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया, उसमें बहन ने बोला ये कमलनाथ जी नहीं है, ये कमरनाथ जी है, ये कमर हाथ किधर है उनका देख लो। तो मैंने नहीं बोला, ये हमारी बहन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये चित्र दिया। यानी गांव के भी मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कर रहे हैं, वो उनको भी आक्रोशित है। तो ये जो चुनाव है, स्पष्ट ये विकास का, और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव गरीब का जो विकास किया है, गाँव में जिस प्रकार हमने देखा सड़कें बन गई, पिछले 15 महीने में सावेर क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी, पानी की जो समस्या है वो हमने देखा, मुख्यमंत्री जी ने अभी नर्मदा की योजना गांव-गांव में सिंचाई को और पीने के पानी, कल में तो 2-3 गांव में ऐसी जगह पहुंचा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।